अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम सम्राट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए आज हम आपको हावेरी के आगे एक गांव है जिसका नाम है कागनल्ली। इस गांव में एक बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल 4 महीने की है, जिसका नाम मोहम्मद जायद है। ये बच्चा रोज़ाना 8 से 10 किलोमीटर रनिंग करता है और कई सारे रनिंग कॉम्पिटिशन में अव्वल आया है और इसमें उनके वालिद का भी बड़ा किरदार है। आइए आज उस बच्चे के कारनामों को हम अपने आँखों से देखेंगे। फ्रीडम सम्राट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हावेरी से आगे कागनल्ली। यहाँ पर एक बच्चा जो है 5 साल का है, वो बच्चा स्पोर्ट्स के हर मैदान में आगे आया है, आइए दौड़ में आगे आया है। उनके अब्बा से हम बात करेंगे, देखेंगे उन्होंने अपने बच्चे को किस तरह यहाँ पर लाने की कोशिश की है, जस्तजू की है, किस तरह अपने बच्चे को रेडी किया है, हम उनके अब्बा की ज़बान से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ अली है, मैं हावेरी ज़िला बैडगी तालुक कागनल्ले से रहने वाला हूं और मेरा एक 5 साल 4 महीने का बेटा है, तो वो अब तक इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट मिला के 9 मैराथन दौड़ लिया है उसने। सबसे पहले पहली मैराथन दौड़ा था जब 3.5 साल का था, जब ही 6 किलोमीटर फिनिश किया था। जब 4 साल 8 महीने का था तब उसने 8 किलोमीटर फिनिश किया, मुंबई में 5 किलोमीटर फिनिश किया, पुणे में भी 5 किलोमीटर फिनिश किया और ऐसे करके 2 इंटरनेशनल, 3 नेशनल और 4 इंटरनेशनल स्टेट मैच दौड़ा है अभी तक वो, और जितने मैराथन दौड़ा है पूरे फिनिश किया उसने। तो इस करके मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन था, मगर मेरा एक मेजर फ्रैक्चर होने की वजह से मैं गेम कंटिन्यू नहीं कर पाया। मगर आप क्या करते थे सर? मैं BSF से रिटायरमेंट हूँ। BSF में मैं 18 साल कंटिन्यू गेम किया, उसके बाद 4 साल कोचिंग वगैरह करके अभी रिटायरमेंट आ गया हूँ। रिटायरमेंट आके मैं 10 साल हो गया अभी, 10 साल अभी उसमें मेरा एक बच्चा हुआ, तो मैं अभी बच्चे को ट्रेन कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा भी एक इंटरनेशनल प्लेयर बने। आप बच्चे को कब से ट्रेन कर रहे हैं सर? बच्चा जब पैदा हुआ 4 महीने का था, 4 महीने से ही मैं ट्रेनिंग में लगा दिया उसको। जब पहली बार TV में दिखाई दिया वो 14 महीने का था, जब भी लगभग एक 20 फीट रस्सी का सीढ़ी वगैरह पे चढ़ जाता था, 50 से 60 एक्सरसाइज कर लेता था वो 14 महीने में। तो आपके बच्चों का टैलेंट देखकर आपसे कौन कौन मुखातिब हुए सर? तो बहुत सारे आदमी मिलते हैं, मगर अभी तो उम्र बहुत छोटी है उसकी। आगे चलकर मैं चाहता हूँ कि वो मेरा बेटा एक इंटरनेशनल अच्छा खिलाड़ी बने, जो देश को मतलब मेडल दे दे, क्योंकि इससे पहले अभी तक मैराथन में कोई मेडल नहीं आया हिंदुस्तान को। लेकिन मैं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी देश के लिए मेडल लाए और पहला मेडल उसका हो मेरे देश के। आप क्या चाहते हैं सर कि बच्चा आपका क्या बने, फ्यूचर में आगे क्या बने? मैं मेरे बच्चे को फ्यूचर में स्पोर्ट्समैन ही देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सरकार से और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से भी दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा ही बच्चा नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो हिंदुस्तान में इस तरह के मिलेंगे, तो उनको अच्छा कोचिंग करवा के उनका भविष्य के बारे में सोचे, जो गवर्नमेंट ऐसे बच्चों को निकाल के अलग से ट्रेनिंग कराए। जो तो आपके बच्चे को ओलंपिक में भी आप हिस्सा लेने के लिए कोशिश करेंगे? मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा ओलंपिक खेले, तो मैं यही सपने से उसको बढ़ा रहा हूं, तो अब इंशाल्लाह देखो आगे जो होता है वो। तो आपके बच्चे के लिए आप हेल्थ के लिए क्या क्या मेंटेन करते हैं सर, क्या क्या एक्सरसाइज कराते हैं और उसको क्या क्या खिलाते हैं सर आप? उसके लिए डेली तो एक्सरसाइज कराता हूँ मैं उसको, नॉर्मल फ्री हैंड एक्सरसाइज कराता हूँ और नॉर्मली रनिंग भी कराता हूँ, तो उसके साथ साथ डाइट भी देता हूँ उसको, बादाम, ड्राई फ्रूट वगैरह, फ्रूट और ड्राई फ्रूट। जूडो भी करता है, 2-3 गेम का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसको।
मैं जूडो का प्लेयर था, एक मेरा मेजर फ्रैक्चर होने की वजह से मैं आगे गेम कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसलिए मैं अब वो ख्वाब मेरे बच्चे में देख रहा हूँ कि मेरा बच्चा भी एक इंटरनेशनल। मोहम्मद सैद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कागिन। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? स्पोर्ट्समैन। ओलंपिक में मेडल लाना चाहता हूँ। आपको रनिंग बहुत पसंद है? बहुत पसंद है। रोज रनिंग करता हूँ। आप रोज कितना भागते हैं? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर? हाँ। जोर से बोलो। 6 किलोमीटर भागता हूँ रोज। भागता हूँ। आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है? बहुत पसंद है। बचपन से। मैं अच्छे स्पोर्ट्समैन बनकर अपने माँ बाप का, इस गांव का, सबका नाम रोशन करना चाहेंगे? जी, मेरे गांव का नाम रोशन करूँगा। हिंदुस्तान का नाम रोशन करना चाहेंगे? बिल्कुल करूँगा। हिंदुस्तान का नाम रोशन करूँगा। आइए, इसी गांव में रहने वाले बहाउद्दीन साहब से भी हम बात करेंगे, देखेंगे वो बच्चा जब छोटा था तब से वो देखते हैं, इनका क्या कहना है देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हावेरी ज़िला बैडगी तालुक कागनल्ले ग्राम में एक आसिफ अली भाई बोल के जैद है, उनका एक बेटा। आसिफ अली भाई को हम लोग हर रोज़ाना पड़ोसन है ना, देखते रहते हैं बच्चे को सुबह उठने के बाद किस तरह से एक्सरसाइज कराते हैं, और दिन में 5 या 6 किलोमीटर रनिंग कराते हैं। जब 14 महीने का था बच्चा, जब से देख रहे हैं आज तक हमारी ये बहुत उम्मीद है कि सर ये ऐसे एक आसिफ अली मामू एक मिलिट्री मैन थे, जब रिटायर्ड होने के बाद जब बच्चा हुआ उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुशी लगती है। ऐसे ऐसे छोटे बच्चे हमारे हिंदुस्तान में हर जगह जगह पे होंगे तो कुछ मेडल लाने की कोशिश करेंगे, अपने देश के लिए लड़ते हैं और स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, ये हमको बहुत खुशी होती है सर। ऐसे बच्चे देखकर हमको भी बहुत खुशी लगती है कि हमारे गाँव की भी बड़ी इज्जत बढ़ जाएगी, कागनल्ले की, हमारे बैडगी तालुक हावेरी ज़िले की भी इज्जत बढ़ जाएगी, स्टेट में भी हमारा नाम होगा। ताकि देखो अभी छोटा 5-6 साल का बच्चा है और 6 किलोमीटर रनिंग कर लेता है, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात। ये सब आप लोगों की दुआ होगी बच्चों को, बेटे को इनके, तो तभी इतना बड़ा बन पाएगा, इसको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे के बारे में हम लोग सब दुआ करेंगे इसको गोल्ड मेडल मिल सके। आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? तो आवाम से यही गुजारिश है कि हमारी ताकि सब बच्चों को स्पोर्ट्स बनाओ, अपने बच्चों को एक स्पोर्ट्समैन बनाओ, जैसा हम लोग अब हमारे पड़ोसन को देखते हैं ना, तो हम लोग को भी क्या लगता है हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई सारे बच्चे होंगे तो हमको भी बहुत खुशी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में हम दुआ करते हैं सब आदमी लोगों को, अल्लाह इसी हिदायत दे, और सब आप लोग इस बच्चे के लिए दुआ कीजिए इंशाल्लाह, ताकि ये बड़ा होकर हमारे हिंदुस्तान का नाम ला सके और रोशन करें, ऐसे बच्चे भी होना।